आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वेब स्टोरीज से लाखों की ट्रैफिक अपने साइट पर ला सकते हैं और गूगल अभी के टाइम पे गूगल वेब स्टोरीज को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। तो यदि आप वेब स्टोरीज अपने साइट पे बनाते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए, और बहुत से लोगों के पास बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है और उनकी होस्टिंग जो है वो क्रैश हो जा रही है, ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा है। सो आप भी चाहते हो कि आपकी साइट पे भर भर के लाखों का ट्रैफिक आए तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वेब स्टोरीज से आपको ट्रैफिक मिलेगा, कैसे आप गूगल डिस्कवर में जा सकते हो और गूगल डिस्कवर से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, और ये भी बताऊंगा कैसे गूगल वेब स्टोरीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होगा यदि आप गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल डिस्कवर में हमारी एक साइट आ चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इम्प्रेशन देख सकते हो, क्लिक्स देख सकते हो, और अभी ये ग्राफ देख सकते हो कितना तेज़ी से यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो गूगल डिस्कवर में आ चुका है, तो ये हमारे आर्टिकल कुछ हैं जो आर्टिकल गूगल डिस्कवर में आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेब स्टोरीज के थ्रू आप गूगल डिस्कवर में आ सकते हो, और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन भी है मेरा यहाँ पे। सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि जो भी आप फीचर्ड इमेज बनाते हैं उसकी साइज आपको 1200 पिक्सल से ज़्यादा रखना है, यानी कि 1200 पिक्सल गुणे 675 आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, और इस साइज में आप रखते हो तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं गूगल डिस्कवर में आने के। अब यहाँ पे वेब स्टोरेज बेसिकली होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, गूगल वेब स्टोरेज में जब भी आप अपने क्रोम को खोलते हो, ब्राउजर को खोलते हो, तो नीचे की तरफ आप देखोगे इस तरह से स्टोरीज आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से स्टोरीज आते हैं, एक कैरोसल बन जाता है, और ये स्टोरीज पे बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा अगर आपकी साइट ऐसे स्टोरीज में दिखना शो हो जाए, यानी कि डिस्कवर में आ जाए। तो डिस्कवर में आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ्री में बिना कोई SEO किए आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, और गूगल अभी के टाइम में इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो कैसे करेंगे सब कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे, और फिलहाल आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्कवर में ये साइट अभी जल्द ही आ चुकी है। अब चलिए बात करते हैं कि गूगल डिस्कवर पर हम वेब स्टोरीज को कैसे अपने साइट पर हम कैसे वेब स्टोरीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एक नया प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे वेब स्टोरीज, और गूगल द्वारा ये देख सकते हैं प्लगइन है वेब स्टोरीज, ये गूगल द्वारा ही यहाँ पे डेवलप किया गया है, और यहाँ देख सकते हैं बाय गूगल लिखा हुआ है, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। और इसमें एक सेटिंग्स है, सबसे पहले अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो वेब स्टोरेज में एक सेटिंग को इनेबल कर लीजिएगा रैंक मैथ में। सबसे पहले आपको अब इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन, अब आपको जाना है रैंक मैथ में, रैंक मैथ के डैशबोर्ड में जाना है, और डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेटिंग है, नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं गूगल वेब स्टोरेज की सेटिंग है, सिंपली आपको इसे केवल इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको सिंपली अब क्या करना है, आपको स्टोरेज में जाना है, यहाँ पे स्टोरेज देख सकते हैं, और डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, बेसिकली अब आप स्टोरी बनाना सीखेंगे, अभी इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी फ्री में आपको यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे वेब स्टोरीज बनाने के लिए, तो ये तो फ्री हो गए, टेम्पलेट हो गए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसके सेटिंग्स में जाएंगे, स्टोरेज के सेटिंग्स में जाएंगे, और एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको गूगल एनालिटिक्स की आईडी यहाँ पे डालनी है, उसके बाद पब्लिशर लोगो यानी कि 96x96 पिक्सल का आपको एक स्क्वायर लोगो यहाँ पे अपलोड करना है अपने साइट का। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी सेटिंग्स अभी कुछ छेड़ना नहीं है, इतना करने के बाद मोनेटाइजेशन में आना है, और इसमें अगर आप गूगल एडसेंस आपका अप्रूव है तो गूगल एडसेंस का यहाँ पे आप एड यूनिट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके डाल देना है। बस इतना करने के बाद सेटिंग कंप्लीट हो गई, जैसे शुरू हुई सेटिंग्स ख़त्म भी हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में चले जाना है। अब डैशबोर्ड में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब क्रिएट न्यू स्टोरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इमेज बनाने का पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा, सभी टूल्स मिल जाएंगे। अभी देख सकते हैं, वेट करेंगे, ओके यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे ही आप वेब स्टोरेज पे क्लिक करेंगे बनाने के लिए नया, तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा अपलोड का, यानी कि आप अपने सर्वर पे इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और इससे इस इमेजेस से सारी इमेजेस आपकी यहाँ पे आ जाएंगी जो भी आप अपलोड करेंगे, और यहाँ से आप अपने इमेजेस को बना सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे इमेज पे जाना है, थर्ड पार्टी बहुत सारे इमेज प्रोवाइडर हैं जो आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं और जिप फॉर्मेट में भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपका यूजेबल होगा वो आप यहाँ से जिप फाइल में भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है, टाइटल और पैराग्राफ, कैप्शन, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है शेप्स एंड स्टिकर्स, यहाँ पे शेप्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज का टेम्पलेट है जो कि आपको फ्री में देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा एक डिज़ाइन हम बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेजेस में चलते हैं और एक फ्री का इमेजेस, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विलेज, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक आर्टिकल लिखा था विलेज बिजनेस आइडियाज इन हिंदी, तो विलेज के बारे में मैंने लिखा और यहाँ पे सर्च कर दिया, और यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके यहाँ पे अब सर्च हो रहा है, विलेज लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे इमेजेस बहुत सारे आ चुके हैं, तो चलिए हम एक इमेज यहाँ से उठा लेते हैं कोई, और यहाँ से बिजनेस आइडिया हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है, अब इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, और इस पे आप अच्छे से एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, ओके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इमेज ले लिया। इमेज लेने के बाद इसमें बहुत सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं, सिलेक्शन, फिल्टर्स, बॉर्डर, एनिमेशन, तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन वगैरह सब कुछ सेट करेंगे। एक चीज़ मैं अब बताना चाहूँगा, जैसे ही आप इसमें आएंगे, आप वर्क करेंगे, तो आपको सभी सेटिंग्स के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जितना आप इसमें टाइम देंगे, आप उतने एक्सपर्ट इसमें बन जाएंगे, यानी कि वेब स्टोरीज बनाने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये तो हो गया एक। अब इसमें आप टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं आ चुका है टाइटल, और इसमें मैं लिख देता हूँ विलेज बिजनेस आइडियाज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब इसमें आप इसका कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह सब कुछ बदल सकते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स आप इजीली सीख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी सेटिंग्स आपके सामने रहेंगी और आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो मान लेते हैं ये एक मैंने वेब स्टोरेज एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया, कैरोसोल अब बेसिकली आपको बनाना है। अब यहाँ पे प्लस बटन है, न्यू पेज, अब नया पेज पे क्लिक करेंगे, फिर एक इमेज यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से ब्यूटीफुल डिजाइन बना के वेब स्टोरेज का, और कोशिश करें वेब स्टोरेज में कुछ ना कुछ नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करें, तभी आपकी वेब स्टोरेज डिस्कवर में आएगी और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो इस पर भी बनाएं, और उसके बाद आपको सभी डिजाइन करने के बाद, एनिमेशन वगैरह ऐड करने के बाद, आपको सिंपली पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है, और ये पब्लिश होने के बाद आपकी साइट गूगल डिस्कवर में जाएगी और वेब स्टोरेज में आपके ये जो वेब स्टोरेज आप क्रिएट कर रहे हैं वेब स्टोरेज में दिखेगी, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और सबसे खास बात है कि इसमें आप लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ लोगो वगैरह सब कुछ अपलोड करना है, और यहाँ पे स्टोरी का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, परमा लिंक देख सकते हैं दिख जाएगा इसमें, परमा लिंक बनाना है, आपके वेब स्टोरेज का परमा लिंक बन जाएगा, उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे बेसिकली आप सीख जाओगे जब आप वेब स्टोरेज बनाना स्टार्ट करोगे। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं, गूगल प्रमोट कर रहा है वेब स्टोरेज को, आप भी वेब स्टोरेज बनाएं और इसे पब्लिश करें और आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये थी वीडियो, और ये तो मैंने वर्डप्रेस पे बता दिया, और वर्डप्रेस अगर आपको साइट नहीं बनाने आता है, वर्डप्रेस साइट कैसे बनाएं सब आपको पता नहीं है, तो bloggingskill.com पे जाएं, मैंने यहाँ पे पेड सर्विसेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हैं कि कैसे वर्डप्रेस साइट आप मुझसे बनवा सकते हैं, यहाँ पे पूरा प्लान दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप खुद से वर्डप्रेस साइट बनाना चाहते हो और अच्छी होस्टिंग आप चूज करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं,
और इसमें आप प्रीमियम प्लान के साथ ही जाएं, काफ़ी बेटर रहेगा। आप 100 वेबसाइट फ्री SSL, फ्री डोमेन और 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ अपनी साइट को शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।